यार ये मेरी बिल्ली है, ये तकरीबन 4 साल से हमारे साथ है और इसका नाम किकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। किकी वो देख, सबसे मिल, सबको हाय कर दे, सबको हाय कर दे। हेलो, सब कैसे हो? यो तगियां गांगियां यार, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? मजे में हो? तो रोजे कैसे गुजर रहे हैं मुझे बताओ जरा। मेरा आज का रोजा थोड़ा मुझे ज्यादा भूख लग रही थी, वरना मेरे रोजे मतलब मस्त गुजर रहे थे। और कल वैसे बारिश हुई थी, उम्मीद नहीं था कि मतलब आज तो थोड़ा रोजा जो है ना मुश्किल होगा। आज मैंने ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही। मतलब काफी लोग हैं जो मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और मतलब करना भी चाहते हैं, उनका दिल भी करता है और मतलब किसी ना किसी वजह से रुके हुए हैं। तो आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो करनी है मैंने डेली ब्लॉगिंग और जो रेगुलर ब्लॉगिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये जो सीरीज मेरी अभी चल रही है डेली ब्लॉगिंग वाली पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट के नीचे बताओ, अगर नहीं पसंद आ रही है फिर भी कमेंट के नीचे बताओ। तो चलो पहले जो है मैं आपको डेली ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ कि डेली ब्लॉगिंग होती क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और मेनली डेली ब्लॉग लोग ज़्यादातर क्यों करते हैं और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। डेली ब्लॉगिंग होती है कि आप जो है ना अपने डेली रूटीन के, आपकी जो डेली रूटीन होती है, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ या उसके बाद कहीं जाता हूँ, मैं आप सब वो शेयर करूँ। जैसे अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ या मैं कोई कंपनी खोल रहा हूँ या कुछ और सीन कर रहा है, तो मैं आपके साथ डे बाय डे जो है ना उसकी प्रोग्रेस शो करूँ कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मेरी इस तरह मीटिंग है और ये है वो है। मतलब कि डेली जो मेरे साथ हो रहा है ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। जिस तरह मेरा ड्रोन जो है ना टूट गया, तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा ड्रोन टूट गया, मैं मतलब फ्लाइट कर रहा था और ड्रोन मैंने तोड़ दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक अगले दिन तो संडे था, मैंने आपको बताया कि मतलब मैं ड्रोन ठीक करवाने नहीं जा सका था। और उसके बाद मंडे आया तो मैंने मंडे को बताया कि मैं ड्रोन ठीक करवाने गया हूँ, मेरे साथ इस तरह हुआ, इतने पैसे ले गए, ये हो। तो ये डेली व्लॉग होते हैं कि मतलब मैं आपके साथ कनेक्ट बना रहा हूँ, कनेक्शन बना रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन। तो डेली ब्लॉग्स के जो है ना बहुत ज़्यादा ना नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं कि मतलब आपकी नींद भी अक्सर ऐसा होता है कि पूरी नहीं होती है, मतलब कि देखने में इजी है पर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद मतलब कि इतना टाइम शॉर्ट हो जाता है कि मतलब कुछ करने के लिए टाइम नहीं होता। मतलब कि कोई मैंने मूवी देखनी है, कुछ करना है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। मतलब सिर्फ स्ट्रेट आपने फोकस करना है अपनी शूट के ऊपर। तो ये जो है ना इसके नुकसान आते हैं डेली व्लॉगिंग के। तो अब मैं दूसरे ना रेगुलर व्लॉग्स की बात करता हूँ कि मतलब जो आप वीकली अपलोड करते हो या वीक में 2 दफ़ा अपलोड कर दिया, 3 दफ़ा कर दिया या महीने में 3-4 दफ़ा कर दिया, तो मैं वो उसकी तरफ बात करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले जो है ना मैं अब देख लो कब से बोली जा रहा हूँ। तो मुझे अब लग गई है थोड़ी सी प्यास और मैंने अफ्तारी में भी थोड़ा सा कम खाया हुआ है, तो मैंने कुछ खाना है, कोई स्नैक्स वगैरह खाते हैं। तो खाने के लिए पहले मुझे लेने जाना पड़ेगा, तो फिर यही देखे ना अब मैं लेने जाना है। तो ये मेरे पास कंटेंट है, मैंने अब लेने जाना, लेके आना है और मैंने किस तरह खाना है और किस तरह प्रोड्यूस करना है वो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। सारा दिन आज रोजा लगता रहे और दूसरा रात को ये सीन हो रहा है कि पाकिस्तान फिर मैच हारी जा रहा है, क्या करें यार इस टीम का। तो यार जो रेगुलर व्लॉग्स होते हैं जिसमें वीकली व्लॉग्स या मंथली व्लॉग्स होते हैं, उसमें ये सीन होता है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता है कि आप जो है ना आराम से वीडियो को जो है ना एडिट कर सको, शूट कर सको, हर चीज़ कर सको। मतलब टाइम आपके पास उसमें काफी ज्यादा होता है, पर उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि मतलब जो आप वीडियो अपलोड करोगे उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा जो है ना अच्छी होगी। उसके अंदर भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, पर इतना ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता डेली के लिहाज से। जैसे आपने वीकली एक वीडियो अपलोड करनी है, उसके अंदर ये सीन होगा कि आपके पास एक हफ्ते का टाइम होगा। अगर आपने 7वें दिन वीडियो अपलोड करनी है, आपके पास 6 दिन जो है ना टाइम होगा, और 7वें दिन भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा कि आप वीडियो को जो है ना एडिट और शूट कर सकें। अगर कोई गलती हो जाती है शूट के अंदर और आप मतलब उस जगह पर हो, तो आप जो ना वो शूट दोबारा कर सकते हो, पर डेली के अंदर इस तरह पॉसिबल नहीं होता। मतलब जल्दी जल्दी आप उसको शूट कर लो। जो रेगुलर व्लॉग्स का मुझे नुकसान नज़र आते हैं ना, वो ये है कि आपकी वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम आ जाता है। जब टाइम काफ़ी ज़्यादा बीच में आ जाता है ना, तो आप इनकंसिस्टेंट भी हो जाते हो। मैं भी हुआ था कि मैंने 2 हफ्ते तक वीडियो अपलोड ही नहीं की थी, मतलब कि मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था। पर अब अगर मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने इस तरह करना है और डेली वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं मतलब कि टाइम के मुताबिक जा रहा हूँ और मतलब कि कंसिस्टेंसी मेरी जो है ना इम्प्रूव हो गई है। मुझे तो ये सब कुछ लगता है डेली और रेगुलर व्लॉग्स के अंदर डिफरेंस। अगर आपको कुछ और पता है, आप कुछ इंप्रूव करना चाहते हो या मुझे बताना चाहते हो, तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ताकि मेरा भी नॉलेज इंप्रूव हो। यार ये देखो मेरा प्यार,
ये जो है ना ये तो मेरी जान ले लेता है। अगर कोई गिफ्ट भिजवाना हो ना कभी तो मुझे ये ज़रूर भिजवाना। ये हमारी रिबो की गोल्ड बियर्स, ठीक है ना, याद रखना। तो हम मिलते हैं सुबह आपको इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।